कि अगर महागठबंधन में हम हैं तो एनसीपी को भी टिकट जो है 10-12 सीट पर लेना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राज्य में अपने संगठन विस्तार और मजबूती को लेकर अभी से ही जुट गई है। इस मद्देनजर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कमलेश सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रदेश में जिला से लेकर प्रखंड पंचायत स्तर तक संगठन की मजबूती और उसके विस्तार करने पर विस्तृत चर्चा हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की घोषणा की गई और पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं कमलेश सिंह ने कहा, आने वाले समय में एनसीपी सभी जिला में मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आएगी। हमारे जिले के नए जिलाध्यक्ष जो मनोनीत किए गए हैं और हमारे प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारी गण आए हुए थे, यह स्टेट कमेटी का अति आवश्यक बैठक था और इसमें हम लोग आने वाले 3 महीना के अंदर प्रत्येक जिला में जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष चाहे महासचिव संगठन सचिव, इन सभी का जो है दौरा होगा और वहाँ की पूर्णतः स्थिति से हम सबको अवगत कराएंगे, जिससे कि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी के जो भी सदस्य हैं जो मजबूत अपने आप को रख सकते हैं उस लायक, उसको हम लोग खड़ा करेंगे। और आने वाले समय में हमारा सोच है कि एनसीपी जनवरी फरवरी तक काफ़ी मजबूत स्थिति में हर एक जिला में उभर कर सामने आएगी। इसीलिए एक अति आवश्यक बैठक स्टेट कमेटी का बुलाया गया था और जिला का। कमलेश जी, अभी तक मात्र एकमात्र विधायक आपको, क्या लगता है? देखिए, इस बार जब भी चुनाव 24 में होगा तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार जी और राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल द्वारा सारी बात हुई है कि अगर महागठबंधन में हम हैं तो एनसीपी को भी टिकट जो है 10-12 सीट पर लेना है और उसके लिए पवार साहब अपने तरफ से प्रयास करेंगे। और जिस जिला में हमारा जो ज़्यादा शक्तिशाली है, ग्रिप अच्छा है, संगठन अच्छा है, वहाँ पर हम जरूर वैसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो 24 के चुनाव में हमारे साथ जीत कर विधानसभा में आए। कितने जिलों में अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं? अध्यक्ष मेरे ख्याल से 8-9 जिले का, जो कि अभी हम लोग जो टीम बनाए हैं स्टेट का, वह जाएंगे। जैसे एप्लीकेशन आया है कि 5-6 एक एक जिला से है, लेकिन वहाँ पर जाके ये लोग खुद ज़मीनी तौर पर देखेंगे कि किसकी क्या स्थिति है, पार्टी के प्रति कौन वफादारी से काम कर रहा है। वैसे लोगों को हम लोग जिला में जिला अध्यक्ष का पद से मनोनीत करेंगे। देखिए, 2005 में जब हम झारखंड सरकार में मंत्री बने तो हम अपने क्षेत्र में 3 विधानसभा को प्रखंड बनाए, विधानसभा में 3 प्रखंड बनाए, आपका पीपरा जो अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और आपका हैदरनगर और मोहम्मदगंज। अगर सरकार समय के पहले नहीं गिर जाती तो 6 महीने के अंदर हुसैनाबाद को हम जिला बनाना मेरा करीब करीब फाइनल था, लेकिन फिर ऐसा बात नहीं है कि हम भूल गए हैं और हमारा लक्ष्य वही है कि हुसैनाबाद को जनसंख्या के आधार पर, प्रखंड के आधार पर आप जिला उसको घोषित करें, जिससे जनता का काम में, विकास में तेजी आए। हमारी मांग